पूर्णिया जिले के धमधा प्रखंड से सरसी पंचायत की वार्ड नंबर 5 से वार्ड सदस्य पद से मोहम्मद कलाम उद्दीन युवा उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत से वार्ड सदस्य पद का विजेता बनाए। पंचायत के सुयोग्य नेक शिक्षित कर्मठ ईमानदार और कर्मशील युवा उम्मीदवार कलाम उद्दीन जी का कहना है कि हमको सरसी पंचायत के वार्ड नंबर 5 से जनता वार्ड सदस्य के रूप में चुने, हम वार्ड सदस्य पद पर जीत हासिल करेंगे। मेरी प्राथमिकता उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य और समाज सेवा होगी। हमारे वार्ड नंबर 5 में जो भी जाति वर्ग के आदमी है सबके कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चलेंगे। मेरे लिए सब समान है, सबका साथ सबका विकास करेंगे। वार्ड सदस्य पद के विभिन्न प्रकार का जो भी सरकारी फंड आता है जनता के विकास में लगाएंगे, जैसे पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना, BPL और गली नली में सोलिंग का विकास कराएंगे। सभी योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचाएंगे। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज का विकास पर ध्यान दूंगा। सरसी के सभी पंचायत वासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी MD नौसा के साथ। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं धमधा प्रखंड के सरसी गांव में और सरसी पंचायत में। आइए वार्ड नंबर 5 में आइए। यहाँ का जो प्रत्याशी उम्मीदवार था, जो पंचायत चुनाव चल रहा था, तो कलाम जी वार्ड मेंबर में खड़ा हुए थे अपने वार्ड से, 5 नंबर वार्ड से, और इनकी बहुत बड़ी जीत हासिल हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है। और कंपटीशन का मतलब माहौल था, दोनों पार्टी वार्ड मेंबर जो भी था दोनों पार्टी का बराबरी वोट था और वहां पे सिक्का उछाला गया, लेकिन कलामुद्दीन जीत प्राप्त कर लिया। और आइए हम उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बधाई है। कलाम जी, आपकी मालूम हुआ कि बहुत टक्कर वाली जीत हुई है वार्ड मेंबर की, क्या समस्या है प्राइम टीवी के चैनल के माध्यम से आपको बताना होगा। और प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से आपका जीत की बहुत बहुत बधाई है सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन है जी। हम वार्ड सरसी पंचायत वार्ड नंबर 5 के सदस्य पद से जीते हुए हैं जी। और बड़ी कठिन समस्या से हम जीत हासिल किए हैं जी। दोनों के बीच में टक्कर हुई और जो है हम लोग को मतलब जितने पदाधिकारी लोग थे वो जो है क्या कहते हैं लॉटरी किए और लॉटरी में हमने जीत हासिल। पदाधिकारी वहाँ पे जो था चुनाव आयोग के अंदर जी, तो कौन डीएम साहब थे, वीडियो साहब थे, सभी मतलब अन्य पदाधिकारी लोग थे, बड़े बड़े सब थे वहाँ पर। उसके बीच में जो है लॉटरी किया गया, हम दोनों में से एक जो है हम बड़ी मुश्किल। दूसरा कौन कैंडिडेट था? एक दूसरा था विजय राम जी, वार्ड नंबर 5 का ही है। दोनों का बराबरी वोट हो जी। हाँ, दोनों का बराबरी वोट थे जी। तो उसमें जो है बड़ी कठिन तपस्या हुई, समस्या हुई और उसमें लड़ते झगड़ते हम जो है अपने विजय प्राप्त किए। और रहा अब हमारे पास जो हम विजय प्राप्त किए हैं तो हम जनता का सेवा 5 साल जी, 5 साल तक मतलब जनता का सेवा करेंगे और इस तरह करेंगे कि आगे जो है जनता हमको वोट के लिए तरसाए। आइए यहाँ के जो माता जी हैं, एक माता जी, आपका नाम क्या हुआ? मीरा देवी। कहाँ आपका घर है? 5 नंबर वार्ड में। क्या मतलब कलाम जी आपके वार्ड मेंबर बने हैं, वार्ड सदस्य, तो क्या आप लोग खुश हैं? खुश हैं। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? ना। अब जरूर मिलेगा, ठीक ना? आपका वार्ड मेंबर बढ़िया आ गया है, ठीक ना? जो भी काम है, जो भी समस्या है, आप वार्ड सदस्य करवा सकते हैं। और कुछ कहना है? ना। क्या नाम है चाची? शकीला मौसमा। वृद्धा पेंशन मिल रहा चाची? कोई तरह का दिक्कत? इंदिरा आवास मिला आपको? हाँ, नाम से मिला। मिला। आपका वार्ड में 5 नंबर वार्ड से हैं? हाँ। मतलब कलाम जी की जीत हुई, आप हाँ, खुश हैं ना? बड़ी खुश। चलिए ठीक है। नाम बताइए। राजन खान। बढ़िया,
मतलब क्या मतलब आप खुश हैं ना, आप लोग सहमत हैं ना से कलाम जी से? जी वृद्धा पेंशन मिल रहा है? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है अखिलेश राम जी, पाँच वार्ड के रहने वाले जी। कलाउद्दीन जो है वार्ड सदस्य में जीत गए हैं जी। ये हम जी दिन से कहते हैं कि हम इनको चुनाव किए हैं और अच्छी ढंग से काम करें तो आगे के लिए अच्छा काम करेंगे। और जनता से भी वादा किए हैं, टीवी चैनल वाले से भी, हमसे भी वादा किए हैं, प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से भी बोला है कलाम जी जो भी फंड है हमारे वार्ड में, जो भी समस्या हम लड़ के झगड़ के जैसा होगा वैसा हम मुखिया गुरु करवाएंगे। जो भी नली गली काम है, आवास है, BPL है, PL है, वृद्धा पेंशन है, जो भी है वो कार्य करेंगे, ठीक ना? नाम बताइए। मोहम्मद सत्तार। कहाँ से? पाँच नंबर वार्ड। पाँच नंबर वार्ड। क्या कुछ कहना चाहेंगे कलाम जी के बारे में? कलाम जी तो बहुत हम लोग का जल्दी जल्दी अच्छा नागरिकता आदमी है समाज का, और हम लोग चुने उनको। और दूसरा नंबर सब बना, आधा उम्र बीत गया, समझ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब लेकिन मिलेगा। कलाम भाई हम लोग को पूरा करेगा। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक,